रीवा राज्य देश के सबसे बड़े राजघरानों में से एक था। इसका क्षेत्रफल 13,000 स्क्वायर माइल्स होता था और इसकी सालाना आमदनी 1901 में 2.9 मिलियन डॉलर्स आंकी गई थी। अब आप सोच लीजिए कि रीवा कितना बड़ा राज्य था। इसके अंदर शहडोल भी था, सीधी भी था, चित्रकूट भी था और काफी ऐसी ऐसी जगहें थी जो बहुत बड़ा राज्य था, दूसरे राज्यों से बहुत बड़ा था क्षेत्रफल में भी और आमदनी में भी। इसके अलावा रीवा एक बहुत ही प्रोग्रेसिव राज्य था। 1901 में महाराजा रीवा ने दो अस्पताल बनवाए, विक्टोरिया अस्पताल और जनाना अस्पताल। 1901 ही में महाराजा रीवा ने मॉडल जेल खोली और मॉडल हाई स्कूल खोला। अब आप सोच लीजिए कि 1901 के अंदर यह कितना प्रगतिशील राज्य था। उसके अलावा आपको एक बहुत अद्भुत जानकारी देना चाहूंगा कि महाराजा गुलाब सिंह साहब ने एक कानून बनाया कि राज्य के जितने भी प्रजा है उसको यह अधिकार दिया कि अगर राजा जो भी आदेश देता है या जो भी कानून बनाता है उसको क्वेश्चन करने का, उसको प्रश्न करने का प्रजा को अधिकार दिया। जो आज हम आरटीआई का एक बात करते हैं देश के अंदर, पर आरटीआई में तो सिर्फ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, महाराजा रीवा ने उस जमाने के अंदर अपनी प्रजा को यह अधिकार दिया कि वो प्रश्न पूछ सकते हैं कि ये आपने जो कानून बनाया है ये सही बनाया है नहीं बनाया है, उसका आप जवाब दीजिए। एक और बात, देश का पहला राज्य था जिसने अपनी भाषा राजभाषा हिंदी करी, हिंदी को उन्होंने राजभाषा घोषित किया। भारत के अंदर यह पहला राज्य था। उसके अलावा बहुत डेवलपमेंट्स किए पढ़ाई में, लिखाई में, कॉलेजेस बहुत खुले, स्कूल्स खुले, परंतु उसके बाद भी एक रिपोर्ट जब आई तो वो रिपोर्ट ये कहती थी कि देश का सबसे पिछड़ा राज्य जो है, पिछड़ा प्रदेश या पिछड़ा रजवाड़ा जो है वो रीवा है। उसका एक कारण जब पता लगा कि रीवा महाराजा ने अपने यहाँ ट्रेन जाने से मना कर दिया। जब ब्रिटिश ने ट्रेन हिंदुस्तान के अंदर फैलाने की कोशिश की, हिंदुस्तान को रेलवे के माध्यम से जोड़ने की कोशिश की गई, तो रीवा महाराजा ने कहा कि हमारे को डिस्टरबेंस होगा और हमारा इकोलॉजिकली हम कोई सूट नहीं करेगा। तो इलाहाबाद जाने के लिए, सतना से इलाहाबाद जाने के लिए लंबी ट्रेन ले जानी पड़ी और रीवा को ट्रेन नहीं मिली। और मुझे अभी तक याद है कि हम लोग जब इंदौर में पढ़ते थे तो रीवा से जो लोग आते थे उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी ट्रेन नहीं देखी थी और वो बताते थे कि गांव का आदमी इंजन को देखकर डर जाता है, उसको लगता है कुछ देते हैं। तो एक पिछड़ापन होने का कारण शायद रेल रहा हो, परंतु उसके बाद भी बहुत प्रगतिशील उन्होंने उपाय किए, डिसीजन लिए। और मार्तंड सिंह साहब, महाराजा साहब पार्लियामेंट में 3 बार मेंबर भी रहे। आपकी एजुकेशन इंदौर में डेली कॉलेज में हुई, बाद में मेयो कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया। और इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अकबर दरबार के महाराजा शहंशाह अकबर के राज में जो नवरत्न थे उसमें एक रहीम थे, रहीम साहब। रहीम एक बार अकबर से नाराज हो गए और वो गायब हो गए। अकबर को बड़ा बुरा लगा और दुख भी हुआ। अकबर ने पूरे हिंदुस्तान में ढिंढोरा पिटवाया कि रहीम को कोई ढूंढेगा तो हम उसको इनाम देंगे। एक दिन महाराजा रामचंद्र सिंह साहब हाथी पर चित्रकूट में यात्रा कर रहे थे। उन्होंने एक भड़बूजे की दुकान पर, जहां पे चने भुने जाते हैं, भड़बूजे आप जानते होंगे, एक आदमी को भड़बूजे भूनते हुए देखा। लंबा चौड़ा, बड़ा खूबसूरत, दाढ़ी रखी हुई थी, कपड़े उसके गंदे थे। उनको लगा कि ये रहीम है।
पर उनको ही मालूम था कि अगर मैं कहूंगा कि तुम रहीम हो तो वो मानेगा नहीं। तो उन्होंने एक दोहा पढ़ा और वो दोहा उन्होंने जो पढ़ा वो मैं आपको सुनाता हूं और उसके बाद क्या हुआ मैं आपको फिर बताता हूं। जाके सर अजभास सोकत झोकत भार अब, जाके सर अजभार सोकत झोकत भार अब। तो उसका जवाब उस भड़बूंजे के रूप में रहीम ने दिया, हम झोकत है भार दीनों भार उतार सब, हम झोकत है भार दीनों भार उतार सब। रीवा के बारे में आपने जाना के सफेद शेर रीवा की एक बहुत बड़ा उपहार है देश को संसार को, और उसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ा काम महाराजा मार्तन सिंह साहब रीवा ने किया। आपने शिकार तो छोड़ ही दिया पर उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से मुलाकात कर उनसे गुजारिश की कि बांधवगढ़ को टाइगर रिसॉर्ट के रूप में नेशनल पार्क के रूप में परिवर्तन कर दिया जाए, जो इंदिरा जी ने सहर्ष किया, उसका उद्घाटन भी किया। आज बांधवगढ़ टाइगर रिसॉर्ट के रूप में बड़ा माना जाता है। रीवा राज परिवार के अलावा और रीवा के सफेद शेरों के अलावा रीवा ने कई दूसरे भी कई विभूतियों को जन्म दिया या रीवा से वो जुड़े रहे, जिसमें कुछ नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। श्री अर्जुन सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के शिक्षा मंत्री रहे, आप भी रीवा राज्य से थे। राज कपूर के ससुर प्रेमनाथ मल्होत्रा के फादर रीवा के आईजी पुलिस होते थे, बाद में वो परिवार जबलपुर में बस गया। हमारी मध्य प्रदेश फाउंडेशन के अध्यक्ष सांसद श्री विवेक तनखा के ग्रैंडफादर रीवा के कमिश्नर होते थे। इस प्रकार ऐसी कई विभूतियां हैं जिनका रीवा के साथ जुड़ाव होता है। रीवा महाराजा ने, क्योंकि मोहन सफेद शेर ने रीवा का नाम पूरी दुनिया में किया, इसलिए उसको इतना उचित स्थान दिया है कि उनके दरबार हॉल के अंदर जहां पे उनका सिंहासन है, हीरे जवाहरात से जुड़ा हुआ चांदी का सिंहासन है, उसके साथ ही बिल्कुल उसका स्टफ्ड जो शेर है मोहन शेर उसके अंदर स्टफ करके उसको वहां रखा हुआ है, बिल्कुल उसी इज्जत के साथ जैसे कि राजघराने के अंदर किसी सदस्य को, किसी राज परिवार के सदस्य को दिया जाता है, मोहन को वही इज्जत दी जाती है रीवा राज्य में। और ये दर्शाता है कि रीवा राज्य के राजा महाराजा और राज परिवार ने ना केवल इंसानों को इज्जत दी पर जानवरों को भी उतनी इज्जत दी, जो कि आज के युग में हम लोगों को, नई पीढ़ी को इनसे कुछ सबक लेना चाहिए। दास्ताने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज आपने रीवा, सफेद शेर और मध्य प्रदेश की ये अनसुनी कथा को सुना। अब अगली बार मैं फिर पेश होऊंगा, फिर आऊंगा कुछ ऐसी अनसुनी कहानी लेकर जिसको सुनकर आपको मजा आएगा। तब तक इंतजार कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।